दोस्तों, इस साल जनवरी में Redmi एक सेपरेट ब्रांड बनकर अनाउंस हुआ और Redmi के पहले स्मार्टफोन्स जो लॉन्च हुए थे वो थे Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro। ये दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया थे और अब कुछ समय से काफ़ी सारे लीक सजेस्ट करते हैं कि अब जल्द ही Redmi अपना एक नया फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होगा Redmi Pro 2। तो चलिए बात करते हैं Redmi Pro 2 के डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन, रिलीज डेट और प्राइसिंग के बारे में। मगर उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि Redmi Pro 2 से रिलेटेड सभी फ्यूचर अपडेट्स मैं आपको दे पाऊँ। तो इसी के साथ मैं हूँ राज और आइए आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली ही Xiaomi के प्रोडक्ट डायरेक्टर ने चाइनीज सोशल मीडिया Vivo पर एक इमेज शेयर की। ये इमेज MI9 SE से शॉट की गई थी। फर्स्ट इम्प्रेशन में ये एक नॉर्मल इमेज के जैसे ही लग रही थी, पर इस इमेज के पोस्ट होने के कुछ ही समय बाद इसे रिमूव किया गया। उसका रीजन ये है कि अगर आप इस इमेज को जूम करके देखें तो आप यहाँ क्लियरली एक नया स्मार्टफोन देख सकते हैं। अगर आप इस स्मार्टफोन को ध्यान से देखें तो यहाँ आप पॉपअप कैमरा और 3.5mm हेडफोन जैक देख सकते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि फिलहाल किसी भी Xiaomi या Redmi स्मार्टफोन में हमें पॉपअप कैमरा देखने को नहीं मिलता, इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है कि ये नया स्मार्टफोन Redmi का नया अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस होगा जिसका नाम होगा Redmi Pro 2। अब अगर बात करें Redmi Pro 2 के डिज़ाइन के बारे में तो बहुत से मामलों में इस स्मार्टफोन की डिज़ाइन Redmi Note 7 Pro के डिज़ाइन के जैसे ही होगी, क्योंकि यहाँ एक पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा, इसीलिए यहाँ आपको हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। फोन के ऊपर की तरफ आपको एक हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, जो भी एक काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ आपको ग्रेडियंट बैक पैनल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यहाँ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो क्योंकि Redmi Pro 2 एक फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है, इसीलिए इसमें जो प्रोसेसर है वो भी फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर होगा। तो यहाँ क्वालकम का अब तक का सबसे बढ़िया प्रोसेसर होगा, जो है स्नैपड्रैगन 855। यहाँ आपको देखने को मिलता है ऑक्टाकोर क्रायो 485 CPU और एड्रीनो 640 GPU। यहाँ आपको पीछे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ प्राइमरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का, जो फ्रंट कैमरा है वो होगा पॉपअप सेल्फी कैमरा और इस फ्रंट कैमरा का रिजोल्यूशन होगा 32 मेगापिक्सल। इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। अगर हम बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की तो यह होगी 4000mAh की बड़ी सी बैटरी। इसके साथ ही आपको यहाँ 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो आप अपने फ़ोन को काफ़ी जल्द ही चार्ज कर पाएंगे। अब फाइनली बात करते हैं Redmi Pro 2 के प्राइस और रिलीज डेट के बारे में। तो बताया जा रहा है कि Redmi Pro 2 में 2019 में चाइना में लॉन्च होगा और उसके कुछ ही समय बाद इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। इस स्मार्टफोन की प्राइस हो सकती है लगभग 25,000 इंडियन रुपीस से शुरू। तो क्या आप Redmi Pro 2 के लिए एक्साइटेड हैं? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आपको पता ही है क्या करना है, सिर्फ वो रीज़न हमारे साथ शेयर करिए ताकि अगले वीडियो में हम उसका ध्यान रख पाए। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ राज और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।